हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं प्रोफेशनल इंट्रो जो कि आपकी यूट्यूब वीडियो के लिए है। इसमें आप अपना नाम या अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। दोस्तों, ये इंट्रो लगाने से आपकी वीडियो आपकी ऑडियंस को बहुत अट्रैक्टिव लगेगी और बढ़िया लगेगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना ताकि आपकी कोई भी सेटिंग इधर उधर ना हो जाए। इस इंट्रो को बनाने के लिए आपको काइन मास्टर और पिक्सलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका कीमती समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड फिटनेस पे। तो दोस्तों, हम अपना पिक्सलैब ओपन कर लेते हैं। पिक्सलैब ओपन करने के बाद हम इस पर सिंपली अपने चैनल का नाम रख लेंगे या आप अपना नाम रख सकते हैं। मैं इसमें अपने चैनल का नाम रख लेता हूँ टेक्निकल एंड फिटनेस। टेक्निकल एंड फिटनेस रखने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। अब हमने इस पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देना है। कोई भी हम फॉन्ट रख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपको बढ़िया लगे फॉन्ट वही आप रख लेना। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट रख लिया है, अब हमने सिंपली इस पे शेडो पे क्लिक करना है। शेडो लगा लेंगे थोड़ी ताकि ये देखने में अट्रैक्टिव लगे। वाइट कलर की शेडो लगाएंगे। इसका ब्लर रेडियस थोड़ा ज़्यादा कर देंगे हम। 35 तक रख लेंगे इसका रेडियस। 35 तक रख के हम इसे टिक पे क्लिक कर देंगे। टिक पे क्लिक करने के बाद हमने अब इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं। फिर हम कलर पे क्लिक करके ब्लैक कलर कर देंगे बैकग्राउंड। तो हम टिक पे क्लिक कर देंगे। फिर हमने बस सिंपली ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने के बाद हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब हमने बस सिंपली इसे सेव कर देना है, सेव एस इमेज। तो हमारी ये इमेज सेव हो गई है। अब हमारी ये इमेज गैलरी में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारा पिक्सल लैब का काम खत्म हुआ। अब हम अपना काइन मास्टर ओपन करेंगे। काइन मास्टर ओपन करने के बाद हमने ये प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है। फिर हम ये 16:9 वाला फ्रेम ले लेंगे। ये हमारी यूट्यूब वीडियो का फ्रेम होता है। हम सिंपली अब मीडिया पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये है वो वीडियो टाइगर की जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना। जब ये टाइगर ख़त्म होता है, हमने इधर वीडियो को पॉज करके अब लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे। जो हमने पिक्सल लैब से अपने चैनल का नाम बनाया था, हम उसे उठा लेंगे। उठाने के बाद हम इसे सेट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे सेट करने के बाद बस थोड़ा सा रखना है हमने। फिर हम इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है, हम इसे कट कर देंगे। कैंची पे जाके ट्रिम राइट ऑफ प्ले हेड कर देंगे। दोस्तों, अब हमने इस पे फॉन्ट पे क्लिक करना है। फिर हमने इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। इन एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद हमने स्लाइड लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। स्लाइड लेफ्ट पे, और इसकी स्पीड पूरी 0:0 कर देंगे। पूरा लास्ट तक कर देंगे 0:0:0:0 ताकि ये फास्ट आए थोड़ा। अब हमने इस पे ही वीडियो पॉज करनी है जहां पे हमने फॉन्ट लगाया था। फिर हम लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। अब हमने इफेक्ट्स लगाने हैं। दोस्तों, ये मिराज वाला इफेक्ट लगाना है हमने। अगर आपको ये ना मिलेगा तो आप गेट मोर पे जाके यहाँ पे ढूंढ लेंगे तो मिराज वाला मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे तो इसमें डिस्टोर्शन में मिला था। ये जो फोर्थ नंबर पे है ना, डिस्टोर्शन के ऑप्शन, ये है मिराज। ये आप इसे डाउनलोड कर लेना, सिंपली बस डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम इस पे मिराज पे क्लिक कर देंगे।
मिराज पे क्लिक करने के बाद इसे हम फुल स्क्रीन पे कर देंगे, ऐसे इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसमें बस ये इतना ही रखना है जितना हमारा फॉन्ट स्टाइल था। इसको ट्रिम कर देंगे, ट्रिम राइट ऑफ प्ले हेड कर देंगे, ट्रिम राइट ऑफ प्ले हेड। फिर हमने इसको सेटिंग्स करनी है, थोड़ी सी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। इसकी हम स्ट्रेंथ 12-13 कर देंगे। और इसकी हम स्पीड 1 पे कर देंगे बस। फ्रेंड्स और हम इसका मोड भी 1 पे क्लिक कर देंगे। बस हमने ओके कर देना है। हमारी वीडियो लगभग बन के तैयार हो गई है दोस्तों। अब हमने बस इसमें इसका बैकग्राउंड कलर चूज करना है। अब हम वीडियो के स्टार्टिंग में जा जाएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद हम लेयर पे क्लिक करेंगे, फिर मीडिया पे, और फिर हम बैकग्राउंड्स पे क्लिक कर देंगे। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद मैं ब्लैक उठा लेता हूँ। ब्लैक उठाने के बाद इसे भी हम बड़ा कर देंगे स्क्रीन के जितना। स्क्रीन के जितना करने के बाद हम इस पे कलर पे क्लिक करेंगे। आपने जो कलर का बनाना हो, जैसे मैं ब्लू कलर का बनाता हूँ, ब्लू कलर कर देंगे। ब्लू पे क्लिक करने के बाद हम इस पे ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद फिर हम ओवरले पे क्लिक कर देंगे और फिर टिक कर देंगे। दोस्तों हमारा बन के तैयार हो गया, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों जो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम इसे कट कर लेंगे। ट्रिम राइट ऑफ प्ले ऐड, ट्रिम राइट ऑफ प्ले ऐड। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा कैसा बनाया है इंट्रो। तो फ्रेंड्स है ना बिल्कुल बढ़िया जकास आपकी वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।